तो दोस्तों इस वक्त सारी चीजें बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि पॉसिबली आपको रॉ पर दिख सकते हैं, लेकिन वहां पर तो इनका रिटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन रॉयल रंबल में इनका रिटर्न एकदम कंफर्म था कि वहां पर तो ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन भाई अब जो रिपोर्ट्स आई है ना, वो शायद सुनकर आपको भी एक तगड़ा झटका जरूर लगने वाला है। जी हां दोस्तों दरअसल विंस मैकमैन का कुछ लॉ सूट चल रहा था सेक्स स्कैंडल वाला, और ये भाई आज से नहीं है बल्कि कुछ महीनों से विंस मैकमैन इस केस में इन्वॉल्व है, और इसका रिजल्ट आपको पता है कि ये इस वक्त WWE चेयरमैन पद से भी हट चुके हैं। लेकिन भाई अब फाइटफुल की तरफ से एक रिपोर्ट में ये पता चला है ना कि कोई और सुपरस्टार था जो विंस मैकमैन के साथ इस स्कैंडल में शामिल था, और ये शायद भाई ब्रॉक लेसनर है। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, अगर ये चीज प्रूफ हो गई कि ब्रॉक लेसनर सही में इस चीज में शामिल थे ना, तो भाई इनका WWE रिटर्न तो छोड़िए, इनका आधा करियर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये बात दोस्तों हजम ही नहीं हो रही है कि ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि ब्रॉक लेसनर सोशल पर्सन है ही नहीं, ये आपको ना ही ट्विटर दिखते हैं, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही फेसबुक पर, क्योंकि भाई ये इन सारी चीजों से काफी दूर रहते हैं और इनका मेन मोटिव हंटिंग है। और ऐसे में भाई इस तरह की रिपोर्ट इनको लेकर आना भाई यकीन नहीं हो रहा है। वैसे दोस्तों अब देखते हैं कि आगे इनको लेकर और क्या अपडेट आती है। वैसे अभी के लिए दोस्तों रॉयल नंबर में तो आप इनके रिटर्न की उम्मीद ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि चांसेस इस वक्त काफी कम है कि ये रॉयल नंबर में आपको दिख सके। वैसे दोस्तों आपका इन सारी चीजों पर क्या थॉट्स है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।